वेलकम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम यूटेट 2024 के साइंस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ द आई दैट मेक्स इट्स कलर विजिबल। जो आपको आई का कलर दिखाई देता है वह किस पार्ट की वजह से दिखाई देता है? तो हमारा जो पार्ट होता है वो क्या है, कॉर्निया, आयरिस, रेटिना या आईलेंस। तो ये पार्ट हमारा क्या होता है, आयरिस होता है। आयरिस ऐसा पार्ट है आपका आई का जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का होता है अलग अलग लोगों में। जैसे कि किसी की ब्राउन आईज होती हैं, किसी की ब्लू आईज हैं, किसी की ब्लैक आईज दिखाई देती हैं। तो ये किसकी वजह से है, हमारी आयरिस की वजह से। नेक्स्ट है हमारा, द रीजन फॉर द स्वीट टेस्ट ऑफ फ्रूट्स, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? ऑप्शन ए है मेल्टोस, रिबोस, लैक्टोस या फ्रुक्टोस। तो जो आपके फ्रूट्स होते हैं उसमें जो स्वीट टेस्ट होता है इसका कारण होता है हमारा फ्रुक्टोस। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजीली बाय फ्रिक्शन। ऐसी कौन सी इनमें से वस्तु है आपकी जिसे कि आप फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज नहीं कर पाएंगे? तो पहला है इसमें हमारी प्लास्टिक रिफिल, वुडन क्लोथ और इन्फ्लेटेड बैलून और कॉपर रॉड। तो अगर हम देखें कि प्लास्टिक की रिफिल आपकी जो होती है, ऊनी वस्त्र और फूला हुआ गुब्बारा, ये सभी तो हमारे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के द्वारा इजीली चार्ज हो जाएंगे, पर हमारी जो कॉपर रॉड होती है ये आसानी से चार्ज नहीं होगी क्योंकि ये खुद ही क्या है, एक कंडक्टर है। और सिर्फ कंडक्टर्स आपके ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें की फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। निम्न में से कौन से विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है? तो पहला है इसमें विद्युत हीटर, सेकेंड ऑप्शन आपका विद्युत इस्त्री, विद्युत लेपन या फिर विद्युत मोटर। तो इसका अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखें तो इसका आंसर है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ साइंस एनी रिपीटेडली वेरिफिएबल ऑब्जर्वेशन बिकम्स अ, बार बार दोहराकर सत्यापित किया गया प्रेक्षण विज्ञान में बन जाता है, तथ्य, संकल्पना, सिद्धांत या भविष्य कथन। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है फैक्ट। अगर आप बार बार रिपीटेडली वेरिफिएबल कर रहे हैं किसी भी ऑब्जर्वेशन को तो वो क्या बन जाती है, फैक्ट बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्कूल्स हु आर लैकिंग फैसिलिटीज ऑफ साइंस लेबोरेटरी, द अवेलेबल रिसोर्सेज फॉर सच स्कूल टू फैसिलिटेट एक्सपेरिमेंटेशन इज। अगर विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है तो उन विद्यालयों में प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करने हेतु उपयोगी संसाधन है विज्ञान क्विज, विज्ञान वृत्तचित्र, विज्ञान पुस्तकालय या विज्ञान किट। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास साइंस किट्स। अगर किसी स्कूल के पास साइंस लेबोरेटरीज के सामान नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, तो उन्हें क्या प्रोवाइड की जानी चाहिए, साइंस किट प्रोवाइड की जानी चाहिए। नेक्स्ट है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड इज, सबसे पहला मेथड क्या होता है साइंटिफिक मेथड का, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रॉब्लम, एक्सपेरिमेंट या कंक्लूजन। तो वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण क्या होगा आपका, परिकल्पना निर्माण, समस्या का प्रेक्षण, प्रयोग या निष्कर्ष। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखें तो कोई भी समस्या आपके पास आएगी, सबसे पहले आप क्या करोगे, समस्या का प्रेक्षण करोगे, मतलब ऑब्जर्वेशन करोगे। जब तक आप ऑब्जर्वेशन करेंगे नहीं, आप कोई भी हाइपोथेसिस नहीं बना पाएंगे, कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रॉब्लम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर को करिकुलर एक्टिविटीज इन साइंस टीचिंग। निम्न में से कौन से विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, विज्ञान क्लब, विज्ञान प्रयोगशाला, विज्ञान मेला। अब देखिए, साइंस क्लब, साइंस लेबोरेटरी और साइंस फेयर हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज में इन तीनों में से कौन कौन से आएंगे? तो साइंस क्लब और साइंस फेयर आपकी दो ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि हमारी को करिकुलर में आती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट एंड थर्ड, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, इन विच मेथड ऑफ साइंस टीचिंग द स्टूडेंट वर्क एज एन एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर की तरह काम करता है जो हमारा छात्र है। सो विज्ञान शिक्षण की इस विधि में छात्र एक अन्वेषक के रूप में कार्य करता है, ह्यूरिस्टिक विधि, प्रदर्शन विधि, योजना विधि या व्याख्यान विधि। तो हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट मेथड में तो एक्सप्लोरर की तरह वर्क नहीं हो पाएगा, लेक्चर मेथड में भी नहीं होता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में भी नहीं होगा। ये किसमें होता है आपका, सिर्फ ह्यूरिस्टिक मेथड ऐसा मेथड है जिसमें कि जो स्टूडेंट है आपका वो एक एक्सप्लोरर की तरह वर्क करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग ऑफ साइंस एट अपर प्राइमरी स्टेज। अपर प्राइमरी स्टेज या फिर उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सिखाने का दिया गया कौन सा उद्देश्य वांछनीय उद्देश्य नहीं है। तो अगर हम देखें इसमें ऑप्शंस हमारे, ए है आवश्यक प्रक्रिया कौशल अर्जित करना, टू एक्वायर एसेंशियल प्रोसेस स्किल, नेक्स्ट है आपका प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना, टू परफॉर्म बेटर इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना मतलब टू एक्वायर साइंटिफिक लिटरेसी, और तार्किक सोच विकसित करना टू डेवलप रेशनल थिंकिंग। तो हम देखेंगे कि बी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे क्या है, साइंस की टीचिंग का एक ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बच्चे को इसलिए पढ़ाते हैं कि वो आगे अपने जीवन में कुछ अर्जित करेगा, ज्ञान अर्जित करेगा, कुछ स्किल्स अर्जित करेगा, ना कि इसलिए कि वो कुछ ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयार करेगा। अगला है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस, जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर बनाने वाले उत्पादक का नाम है। जब आप देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डेड प्लांट्स और डिकेइंग प्लांट्स में आपका एक्ट करेंगे, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हमारा ह्यूमस प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी, ह्यूमस। नेक्स्ट है टू मच एसिड इन अवर स्टमक कॉजेस इनडाइजेशन, सम टाइम इनडाइजेशन इज पेनफुल, टू रिलीफ फ्रॉम दिस इनडाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हेल्पफुल, हमारे अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने पर अपाचन हो जाता है, कभी कभी अपाचन काफी कष्टदायक होता है, इस अपाचन से मुक्ति पाने में निम्न में से कौन सहायक होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है इसमें आपका नींबू का रस, दूधिया मैग्नीशियम, अलमराज, सिरका। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, सबसे पहले हमारा सौर, सौर मिल्क में लैक्टिक एसिड आपका प्रेजेंट होता है, सही है ये हमारा। नेक्स्ट है ग्रेप्स, ग्रेप्स में हमारा टार्टरिक एसिड होता है, ये ऑप्शन भी सही है। बी स्टिंग में आपका मैलिक एसिड नहीं होता है, बी स्टिंग में क्या होता है हमारा फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड का अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या होता है HCOOH। नेक्स्ट है आपका विनेगर, विनेगर में होता है हमारा एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड का क्या होता है फॉर्मूला हमारा एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। तो हम देखेंगे कि हमारे सभी ऑप्शंस क्या है, बाकी सही है थर्ड वाले को छोड़ के, तो हमारा 1, 2 और 4 ऑप्शन जिसमें होगा वो आपका ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये बी। नेक्स्ट, अ नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा नॉन मेटल या अधातु जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपका ऐसा नॉन मेटल होता है जो कि गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस इज, प्योर आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है आपका 273 केल्विन होता है, इसका ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल इज, कोयले का शुद्धतम रूप है लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट और पीट। तो अगर हम इन चारों ऑप्शंस में से देखें तो एंथ्रासाइट क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट पाया जाता है, इसीलिए प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कोल क्या है, एंथ्रासाइट। नेक्स्ट, वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ रेडिएशन पॉल्यूटेंट, रेडिएशन पॉल्यूटेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्या है हमारी O3, O3 हमारा क्या है एक रेडिएशन पॉल्यूटेंट है। नेक्स्ट है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम, आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है, कब संभव होगा हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब आपकी रेस कहाँ एयर टू वाटर जाएंगी, एयर टू ग्लास जाएंगे, वाटर टू ग्लास जाएंगी या फिर ग्लास टू वाटर जाएंगे, तो इसका ऑप्शन है आपका ग्लास टू वाटर। ग्लास टू वाटर आने में क्या हो रहा है आपका, ग्लास हमारा क्या होता है एक डेंसर मीडियम है, और वाटर क्या है हमारा एज कंपेयर टू ग्लास हमारा रेयरर मीडियम है, तो जब वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएंगी तो आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगी वहां पे पॉसिबल होगी। नेक्स्ट है रेडिएशन मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर इज, अधिकतम प्रवेशन शक्ति के साथ विकिरण है, किन रेज में आपकी मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर होती है, तो सबसे पहले हमारी इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्स रेज और गामा रेज। तो अगर हम देखते हैं कि हमारी जो इंफ्रारेड होती है, ये इंफ्रारेड रेज हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आपके लॉन्ग वेवलेंथ वाले रेडिएशंस होते हैं, एक्स रेज है आपकी
फिर हमारी गामा रेज, गामा रेज हमारी जो होती है वो लगभग 1000 times जो होती है वो ज्यादा पावरफुल होती है. तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो क्या आता है, हमारा गामा रेज. नेक्स्ट, द मास ऑफ द मैन इज 72 kg एट द अर्थ, द वैल्यू एफ जी एट द मून सरफेस इज 1/6 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ. द मास ऑफ द मैन एट द मून विल बी, पृथ्वी पर मनुष्य का द्रव्यमान 72 kg है, चंद्रमा की सतह पर उसका मान पृथ्वी के मान से 1/6 है. तो चंद्रमा पर मनुष्य का द्रव्यमान कितना होगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी. उसके मास में कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि हमारा जो मास होता है वह प्लेनेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. आपका वेट जो होता है वो वेरी करता है हमारी जगह के हिसाब से, मास पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. इसीलिए हमारा जो मास रहेगा मैन का वो कितना हो जाएगा, 72 kg. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड इन द साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं पाया जाता है. यहाँ पे अगर हम इंग्लिश में देखेंगे ना, इंग्लिश में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे आपका आएगा फॉलोइंग इज नॉट फाउंड, यहाँ पे नॉट यूज होगा, हिंदी में ये सही लिखा है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो क्या है इसमें, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस या डिफ्रेक्शन. तो हम देखते हैं कि हमारी जो साउंड वेव्स होती है वो सभी फिनोमेनन दिखाती है एक्सेप्ट पोलराइजेशन, पोलराइजेशन की फिनोमेनन को ये नहीं दिखाएंगी. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इफ द प्रेशर ओवर अ लिक्विड इंक्रीजेस इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल, अगर आप यदि किसी द्रव के ऊपर दाब बढ़ा दे रहे हैं तो उसके ऊपर जो लगने वाला बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज, डज नॉट चेंज, फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज या फिर डिक्रीजेस. तो इसका हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज. नेक्स्ट, यू आर ऑब्जर्विंग योर इमेज इन अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड योर इमेज इज 4 meters. इफ यू मूव 1 meter टूवर्ड्स द मिरर देन द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर इमेज विल बी, आप अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहे हैं, दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 meters है, यदि आप दर्पण की ओर 1 meter चलते हैं तो आपके और आपके प्रतिबिंब के बीच दूरी कितनी होगी. देखिए, आप एक प्लेन मिरर के सामने खड़े हुए हैं और डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड योर इमेज इज, ये आपका सपोज मिरर है हमारा ये, और आपके बीच की जो डिस्टेंस है मिरर की इमेज की, तो ये क्या हो गया हमारी 4 meters है. अगर आपसे कह रहा है अगर आप 1 meter मिरर की तरफ को चले जाएंगे तो अब आपकी डिस्टेंस और आपकी जो इमेज फॉर्म हो रही है उसकी डिस्टेंस में कितनी डिस्टेंस रहेगी. तो देखिए, अगर सपोज यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म हो रही है, इस पॉइंट पे हमारी इमेज बन रही है, अब ये कह रहा है कि 1 meter आगे आ गया, तो इसका मतलब है कि 3 meters पे अब हमारा इमेज बन रही है, सॉरी ऑब्जेक्ट रखा है. तो 3 meters पे अगर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो हमने देखी है मिरर की प्रॉपर्टी कि जितनी दूरी पे आपका ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पे हमारी इमेज फॉर्म होगी. तो इसका मतलब है कि इमेज भी आपकी 3 meters पे फॉर्म होगी. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 meters. दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, मतलब जहां इमेज बन रही है और जहां ऑब्जेक्ट रखा है इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है हमारी, 6 meters हो जाएगी. नेक्स्ट, द वेरिएशन इन वेलोसिटी एंड टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज द यूनिट. देखिए, एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग v में समय t के साथ परिवर्तन को वीटी ग्राफ कहते हैं. वीटी ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल जिस भौतिक राशि को निरूपित करता है उसका मात्रक है. तो अगर हम देखें कि आपकी जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया जा रहा है तो वहां पे जो आपकी क्वांटिटी रिप्रेजेंट हो रही है वो कौन सी, हमारी डिस्प्लेसमेंट है. और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट कितनी आ जाएगी, आपकी मीटर आ जाएगी. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है हमारा, मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज गिल्स टू ब्रीद इन एयर, निम्न में से किस जंतु में जल में श्वास लेने के लिए गिल होते हैं, ऑक्टोपस, डॉल्फिन्स, व्हेल्स या ऑल ऑफ दीज. इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑक्टोपस. ऑक्टोपस ऐसा एनिमल है जिसके पास गिल्स हैं टू ब्रीद इन वाटर. नेक्स्ट, चेंजेस इन अवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पोंडेड टू देम आर कॉल्ड, हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे आपके, अनुकूलन, उद्दीपन, परिनुकूलन या संसूलन, एडेप्टेशन, स्टिमुलाय, एक्लिमेटाइजेशन एंड डिटेक्शन. तो ये जो हमारे चेंजेस होते हैं क्या कहलाते हैं, स्टिमुलाय कहलाते हैं.
आपके जो चेंजेस हो रहे हैं सराउंडिंग में, जिसके लिए आप रिस्पॉन्ड करेंगे, ये हमारे क्या कहलाते हैं, स्टिमुलाई कहलाएंगे। अगला है आपका द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इन टू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। द मोस्ट डक्टाइल मेटल इन द फॉलोइंग इज, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। निम्न में से अधिक तन्य धातु है, एल्यूमिनियम, तांबा, सोना या चांदी। तो अगर हम इसमें करेक्ट ऑप्शन देखें तो आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, गोल्ड। गोल्ड हमारा ऐसा मेटल होता है जो कि हाईली डक्टाइल मेटल है। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन एंटर अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट एज शोन इन द फिगर। द डायरेक्शन इन द फोर्स एक्टिंग इन द इलेक्ट्रॉन विल बी, देखिए अगर यह हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है और हमारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से अगर हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात करें तो हमारा जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा, इनटू द पेज की तरफ होगा। तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये क्या है, हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, बाइल जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ फूड। पित्त रस भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। ऑप्शन ए फैट्स, बी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डी मिनरल्स। तो इसमें हम देखते हैं कि आपका जो बाइल जूस होता है वो हमारे फैट्स के डाइजेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो इसका ऑप्शन है आपका ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। निम्न में से किसका उपयोग खाद्य परिरक्षण के लिए किया जाता है। ए शुगर, विनेगर, कॉमन सॉल्ट। तो हम देखेंगे कि हम तीनों ही चीजों का उपयोग क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन के लिए करते हैं। अगर हम क्लासेस में हमने पढ़ा था कि हमारे जो फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, शुगर से भी आप प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, विनेगर से भी कर सकते हैं, इसके अलावा कॉमन सॉल्ट भी एक अच्छा प्रिजर्वेटिव है। तो तीनों ही ऑप्शंस हमारे इसमें करेक्ट हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, डी। इसमें हमारे तीनों ऑप्शन आते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है।